कर रहे हैं, तुम्हें क्या शर्म है व्लॉग में? ओ भाई, अपने मुंह तो ऐसे छुपा रहे जैसे वो ससुर को देख के बहू नहीं छुपाती थी शक्ले। एक आधा कपड़ा ना जेब में डाल के ले चलना अगर आ जाए तो। मम्मी को ये अभी अभी बैग बड़ा अच्छा लगा था, पसंद आया था, बट इसमें एक प्रॉब्लम, बस ये टैग हट जाए ना भाई मजा आ जाएगा। सभी लोग आ जाए, हम एम्बियंस मॉल गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल है भाई ये, मतलब देख रहे हो चमक धमक कितनी भाई। ब्लॉग बनाने में मैं काफ़ी टाइम हो गया, तो अब ये ब्लॉग बना रहा नया, और ये अभी ना मेरा कज़न भाई, और अभी ना हेलो कर दे, पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, बट बहुत अच्छा भाई है मेरा। कहाँ गए सब भाई? हम आगे निकल गए भाई ब्लॉग के चक्कर में, देख रहे हो। तो अभी हम घुस चुके हैं H&M में, और सब छानबीन कर रहे हैं, मतलब कौन से कपड़े सही है कौन से कपड़े नहीं, छानबीन करते हुए। एक आधा कपड़ा ना जेब में डाल के ले चलना अगर आ जाए तो। कौन सी जेल होगी, कपड़ा ही तो है यार, 500-700 रुपए का कपड़े तो है। अभिनव कौन सी चीज जेब में डाली है बंदे का? अरे इसने कुछ नहीं डाला भाई जेब में, पीयूष ने पक्का डाला होगा। पीयूष कौन से कपड़े तूने जेब में डाले? देखा कौन कपड़े? अच्छा, मम्मी को ये अभी अभी बैग बड़ा अच्छा लगा था, पसंद आया था, बट इसमें एक प्रॉब्लम, बस ये टैग हट जाए ना भाई मज़ा आ जाएगा। भाई 2200 रुपये कौन बैग में खर्च करेगा? लड़के अपनी मम्मी को लेके आ चुके हैं बॉयज सेक्शन में, हमें जो कौन से हमारे लिए कपड़े सेलेक्ट करे जाएंगे। चिकी को सारे ब्लैक कपड़े पसंद आ रहे हैं, मुझे थोड़े वाइट कलर में पसंद है, मतलब वाइट और ब्लैक का मिक्सर हो। अरे अभिनव को ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, घूमने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसको, तो कोई शॉपिंग वॉपिंग कर ही नहीं रहा बेचारा। अभिनव कुछ ले ले, जेब में डाल के ले जाइए। क्या बात है, फ्री फंड में घूमने नहीं। शॉपिंग तो करी नहीं, बट देखा है बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अबे यार ब्लॉग ही तो कर रहे हैं, तुम्हें क्या शर्म है ब्लॉग में? ओ भाई, अपने मुंह तो ऐसे छुपा रहे जैसे वो, ये है मेरी छोटी मौसी भाई, काफ़ी चिल है यार, कूल भाई, ये अपनी शक्लें ऐसी छुपा रहे जैसे ससुर को देख के बहू नहीं छुपाती थी शक्लें। तो अभी आया हम फूड कोर्ट में कुछ खाने, भूख लग रही बहुत तेज। हम सब टेबल पे आ चुके हैं, खाने का इंतजार किया जा रहा है, पता नहीं खाना कब आएगा यार, भूख तो बहुत तेज लग रही है मुझे भी। हमारे लिए एक पिज्ज़ा छोटा, मतलब स्मॉल पिज्ज़ा आया था, हम सारे जानवर उस पर टूट पड़े, सबके मुंह में एक 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 निवाला आ गया, किसी किसी के में कुछ भी नहीं आया। तो मैं मम्मी को आइस स्केटिंग दिखाने लेके आया हूँ। 2 साल पहले मैं आइस स्केटिंग करने आया था भाई, मेरी जो मुझे जो एक्सपीरियंस जो अच्छा वाला मिला था भाई, मुझे मज़े बहुत मज़ा आया था भाई, लिटरली बता रहा हूँ। और मैं मतलब बड़ी जल्दी सीख गया था क्योंकि मुझे स्केटिंग पहले से आती थी। सारी इतनी अच्छी अच्छी वॉच दिखी है, बट देखने से लग रही है हमारी औकात के अंदर नहीं है, तो हम खरीद ही नहीं रहे। बाकी ये खरीदेगा, देखते हैं कौन सी कौन पसंद आ रही है। तो हम अपनी बटालियन लेके आ चुके हैं हल्दीराम पे, हल्दीराम पे कुछ खाने का सोच रहे हैं। अभी हमने थोड़ी आधा एक घंटा पहले हमने थोड़ी देर पहले बर्गर वगैरह खाया था, बर्गर पिज्ज़ा और थोड़ा सा कहते हैं स्नैक्स वगैरह हो गए हमारे। अब यहाँ पे आए हैं कुछ, मतलब जो रियल खाना होता है ना, मेन कोर्स वो खाने। हम भाई ऐसे खा रहे जैसे हम 7 जन्म के भूखे हों, ये
ये मेरा वॉफल, इतना सा वॉफल बचाया भाई, थोड़ा सा। इसमें भी क्या बचाऊं, ये चूहे तक खाने के लायक नहीं है, आधा आधा खा लेंगे भाई। इसमें से कह रहा है आधा आधा कर लो, इतना सा पीस है, इतना सा। इतना सा बोला प्रसाद समझ के खा गया। अब सही हो गया, मजे आ रहे भाई मुझे तो। थोड़ा सा नाराज इसके निकालते, चलो दिल के राज क्या खाने बता। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, तो मेरा भाई है, तो भाई है। देख के सोचता हूँ काश मैं 15-20 साल पहले आ जाता यहाँ पे, मजे आते फिर भाई। मैं अपना खाना पीना खा के आ चुका है गाड़ी के अंदर भाई, अब थोड़ा चैन मिल रहा है भाई। काफी देर से मैं बैठा नहीं था, घूमने जा रहा था, तो भाई बिल्कुल है भी इतना बड़ा, पैरों में दर्द होने की वजह से अब थोड़ा बैठो ना, आराम मिल रहा है भाई।